उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया। नंबर 10, मुकाबिल। मुकाबिल एक पाकिस्तानी ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जिसे अली हसन ने डायरेक्ट किया है, जफर मेराज ने इसे लिखा है और इस्लामी की मरकजी कास्ट में कुबरा खान, मोहसन अब्बास हैदर और आसफ रजा मीर शामिल हैं। इसे फहद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली काजमी ने बिग बैंग इंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे का प्रीमियर 6 दिसंबर 2016 को ARY डिजिटल पर हुआ और इस ड्रामे की आखिरी किस्त 23 मई 2017 को नशर की गई। नंबर 9, गुले राना। गुले राना एक पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल है जिसे समरा बुखारी के नोवेल बस्ती के आहंग से माखूज किया गया है। इसे फारूक रिंद ने डायरेक्ट किया है और इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में सज्जल अली और फिरोज खान शामिल हैं। इसे मोमिना दुरेत, हुमायूं सईद और शहजाद नासिब ने सिक्स सिग्मा प्रोडक्शंस और MD प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे का प्रीमियर 7 नवंबर 2015 को हम TV पर हुआ और इस ड्रामे की आखिरी किस्त 2 अप्रैल 2016 को नशर की गई। नंबर 8, फितूर। फितूर 2021 की एक पाकिस्तानी टेलीविजन सीरीज है जिसे सिराजुल हक ने डायरेक्ट किया है, जंजबील आसिम शाह ने इसे लिखा है और अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे का प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को जियो इंटरटेनमेंट पर हुआ। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में फैसल कुरैशी, हिबा बुखारी, वहाज अली और किरण हक शामिल हैं। इस ड्रामे की टोटल 47 इकसात हैं। इस ड्रामे की आखिरी किस्त 22 सितंबर 2021 को नशर की गई। फितूर ने 4 लोगों की कहानी बयान की है जिनका मुस्तकबिल इनके माजी से जुड़ा हुआ है। ये एक मोहब्बत की कहानी है जो सबसे बढ़कर है, जैसा कि मोहब्बत करने वाला शख्स माजी की परेशानियों और मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत हाल को भूल जाने का पाबंद होता है। नंबर 7, हम कहाँ के सच्चे थे। हम कहाँ के सच्चे थे एक पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज़ है जिसे उमैरा अहमद के नोवेल हम कहाँ के सच्चे थे से माखूज किया गया है। इसे फारूक रिंद ने डायरेक्ट किया है, सिविल फ्राई फिल्म्स और MD प्रोडक्शंस ने मुश्तरका तौर पर इसे प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में माहिरा खान, कुबरा खान और उस्मान मुख्तार शामिल हैं। इस ड्रामे की टोटल 22 इकसात है। इस ड्रामे की आखिरी किस्त 2 जनवरी 2022 को नशर की गई। नंबर 6, ऐ मुश्ते खाक। ऐ मुश्ते खाक एक पाकिस्तानी टेलीविजन सीरीज है जिसे अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। इसे जियो इंटरटेनमेंट पर नशर किया गया। माहा मलिक ने इसे लिखा है और एहसन तालिश ने इसे डायरेक्ट किया है। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में फिरोज खान, सना जावेद, असद सिद्दीकी, इफ़त रहीम और दानियाल अफजल खान शामिल हैं। इस ड्रामे की टोटल 36 इकसात हैं। इस ड्रामे का प्रीमियर 13 दिसंबर 2021 को जियो इंटरटेनमेंट पर हुआ और इस ड्रामे की आखिरी किस्त 12 अप्रैल 2022 को नशर की गई। नंबर 5, खानी। खानी 2017 की एक पाकिस्तानी ड्रामा टेलीविजन सीरीज़ है जिसका प्रीमियर 6 नवंबर 2017 को जियो इंटरटेनमेंट पर हुआ। इसे अंजुम शहजाद ने डायरेक्ट किया है, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है। असमा नबीर ने इसे लिखा है और इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में फिरोज खान और सना जावेद शामिल हैं। इस ड्रामे की टोटल 31 इकसात हैं। इस ड्रामे की आखिरी किस्त 2 जुलाई 2018 को नशर की गई। इस ड्रामे की कहानी शाहजेब खान कत्ल केस के हकीकी वाक़े से मुतासर होकर लिखी गई है जो 2012 में कराची में पेश आया था। नंबर 4, दीवानगी। दीवानगी एक पाकिस्तानी रोमांटिक ड्रामा टेलीविजन सीरीज़ है जिसे अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में दानिश तैमूर और हिबा बुखारी शामिल हैं। इसे सादिया अख्तर ने लिखा है, जिशान अहमद ने इसे डायरेक्ट किया है और इस ड्रामे की टोटल 41 इकसात हैं। इस ड्रामे का प्रीमियर 18 दिसंबर 2019 को जियो इंटरटेनमेंट पर हुआ और इस ड्रामे की आखिरी किस्त
26 अगस्त 2020 को निशर की गई। नंबर 3, इश्किया। इश्किया 2020 की एक पाकिस्तानी टेलीविजन सीरीज है जिसका प्रीमियर ARY डिजिटल पर हुआ। इसे फहद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली काजमी ने बिग बैंग इंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। ये मोहब्बत, एतमाद और धोखादेही की कहानी है जो मरकजी किरदारों हमजा, रुमैसा और हमना के गिर्द घूमती है, जिनका किरदार बिलतरतीब फिरोज खान, हानिया आमर और रमशा खान ने अदा किया है। इसे मोहसन अली शाह ने लिखा है, बदर महमूद ने इसे डायरेक्ट किया है और इस ड्रामे की टोटल 28 हिस्सात हैं। इस ड्रामे का प्रीमियर 3 फरवरी 2020 को ARY डिजिटल पर हुआ और इस ड्रामे की आखिरी किस्त 10 अगस्त 2020 को नशर की गई। नंबर 2, बशर मोमिन। बशर मोमिन 2014 की एक पाकिस्तानी ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जिसे सैयद अली रजा उसामा ने डायरेक्ट किया है। जंजबील आसिम शाह ने इसे लिखा है। आसिफ रजा मीर और बाबर जवेद ने ANB इंटरटेनमेंट के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे की मरकजी कास्ट में फैसल कुरैशी, समी खान, उशना शाह, जानान हुसैन, माहीन रिजवी, मरियम खलीफा, हिना ख्वाजा बियात, नुमान इजाज, हिना रिजवी और जेबा शहनाज शामिल हैं। इस ड्रामे की टोटल 32 हिस्सात हैं। इस ड्रामे का प्रीमियर 14 मार्च 2014 को जियो इंटरटेनमेंट पर हुआ और इस ड्रामे की आखिरी किस्त 8 नवंबर 2014 को नशर की गई। बशर मोमिन पाकिस्तान में बनाए जाने वाले अब तक के सबसे महंगे ड्रामों में से एक है। इस ड्रामे की कहानी हसद, मोहब्बत, नफरत, रोमांस और सस्पेंस से भरपूर है। रुदाबा एक मासूम लड़की है जिसकी मंगनी अपने वालिद के बेहतरीन दोस्त के बेटे बुलंद मुख्तियार से हुई है। रुदाबा अपनी मंगनी से खुश नहीं है क्योंकि वो समझती है कि बुलंद, जिसने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अमेरिका में गुजारा है, वो एक गैर रवायती शख्स होगा और वो कभी पसंद नहीं करेगा। इसके भाई आदिल की शादी सायरा से हुई जो एक चलाक और चलाक औरत है। सायरा एक अमीर मनी लॉन्डर बशर मोमिन की बहन है जो अपनी दो बहनों से दिल की गहराइयों से मोहब्बत करता है और इन्हें किसी भी कीमत पर खुश रखना चाहता है। नंबर 1, कैसी तेरी खुदगर्जी। कैसी तेरी खुदगर्जी की कहानी एक बिजनेस टाइकून के बेटे शमशेर के गिर्द घूमती है जो एक मतवसर तबके के पस मंजर से ताल्लुक़ रखने वाली महक से मोहब्बत करता है। ड्रामे के दौरान कुछ नाखुशगवार वाकयात रोनमा होते हैं और महक शमशेर से नफरत करने लगती है, और चूंकि शमशेर के घर वाले इसके रिश्ते को मंजूर नहीं करते इसलिए कहानी मजीद उलझ जाती है। दानिश तैमूर बतौर शमशेर एक कारोबारी शख्सियत का बेटा है, ज़िद्दी और अपनी मोहब्बत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। दुरेवशा सलीम बाहैसियत महक एक लेक्चरार की बेटी है, तबीयत में शाइस्ता है और मतवसत तबके के पस मंज़र से ताल्लुक़ रखती है। हमाद शुएब बतौर एहसन महक के कज़न और मंगेतर हैं। नुमान इजाज और अतीका ओडो बाहैसियत मिस्टर और मिसिज नवाब दलावर का ताल्लुक़ एक बासर कारोबारी ख़ानदान से है जिसमें एक ऑर्थोडॉक्स ज़हनियत है, ख़ानदानी इकदार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। शमशेर एक गैर रवायती माहौल में महक से मोहब्बत करने लगता है और मोहब्बत और नफरत के इस रिश्ते में तकदीर खो जाती है। शहूद अलवी और लैला वास्ती बहैसियत मिस्टर और मिसिज अक्रम महक के वालिदैन हैं। वो मुसलसल हंगामा आराई में रहते हैं क्योंकि बिगड़े हुए शमशेर को पहली नज़र में ही उनकी बेटी से मोहब्बत हो जाती है। जब ख़ानदानी इकदार बहुत मजबूत होती हैं तो बाज़ ख़ानदान के अफराद को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, और कैसी तेरी खुदगर्जी ऐसी ही एक मिसाल है। इसे रादेन शान लिखा है और अहमद भट्टी ने इसे डायरेक्ट किया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया।